हेलो फूडीज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टेस्टी डेजर्ट की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे फिरनी। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और बहुत ही कम सामान के साथ बनके रेडी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं फिर इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 लीटर दूध। अगर आप इसे कप से नापेंगे तो ये 4 कप दूध है, जिसमें से हमने 1 कप दूध साइड में निकाल कर रख दिया है और बाकी बचा हुआ दूध हमें बॉईल करने रखना है। और यहाँ देखिए हमने चावल लिए हैं, ये हमने लिए हैं 4 टेबलस्पून। अगर कप से नापें तो 1/4 कप चावल है ये, और इसे हमने आधे घंटे के लिए सोक करके रख दिया था। ये अच्छे से सोक हो चुके हैं। अब इसका हम सारा पानी निकालेंगे और ग्राइंडर में डालकर हमें इसे दरदरा पीसना है। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें 4 से 5 टेबलस्पून दूध डाल सकते हैं। देखिए हमने पीस लिया है, ये देखने में पेस्ट लग रहा है पर इस तरह से इसके टच करके देखेंगे आप तो इसमें हल्के से दाने हैं। और 1 कप दूध जो हमने अलग रखा था उसमें हमें ये सारा चावल मिलाना है। ये देखिए हमने सारे पिसे हुए चावल इसे 1 कप दूध में मिक्स कर दिए हैं, और दूध हमने जो बॉयल होने के लिए रखा था उसमें भी अच्छे से बॉयल आ गया है। अब हमें ये चावल इसमें मिलाने हैं, अच्छे से सारा पेस्ट हमें इसमें डालना है। और जब तक इसमें बॉयल नहीं आता कंटिन्यू इसे स्टर करते रहिए, वरना चावल इसमें नीचे बैठ जाएगा। इसे हाई फ्लेम पर बॉयल करना है। जैसे इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर दीजिए। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे कुक होने दीजिए। इसे बीच बीच में चलाते रहिए वरना चावल नीचे बैठ जाएंगे। देखिए 10 से 15 मिनट बाद चावल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हमें इसमें डालनी है चीनी। यह हमने ली है 8 बड़े चम्मच चीनी। अगर कप से नापेंगे तो ये 1/2 कप चीनी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यह हमने लिया है थोड़ा सा येलो फूड कलर, इसे पानी में मिक्स करके हमने डाला है। आप चाहे तो केसर का यूज़ भी कर सकते हैं। और इसके साइड में जो मलाई है उसे इस तरह से स्क्रैच करते हुए दूध में मिला दीजिए। इससे दूध का टेक्सचर क्रीमी हो जाएगा और इसकी कोटिंग कंसिस्टेंसी होने तक हमें कुक करना है। देखिए आप इस तरह से चेक कीजिए, स्पून के पीछे बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, तो हमें इसे और कुक करना है। देखिए 15 से 20 मिनट बाद इसका कलर कुछ ऐसा हो गया है, और आप इसे चेक करके देखिए तो चम्मच के पीछे अच्छे से चिपक रहा है। अब इसमें हम डाल लें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। अब हमें इसे सर्व करना है। ये हमने लिए हैं मिट्टी की इस तरह से कटोरियाँ। इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया था, पानी में भिगो कर रखा था। इसे हमें डायरेक्ट इसी में सर्व करना है। अगर आपके पास एक नहीं है तो आप इसकी जगह किसी डिस्पोजेबल कप में या फिर किसी स्टील की कटोरी में भी इसे सेट कर सकते हैं। और इसके ऊपर हमें डालना है बारीक कटे हुए बादाम। देखिए हमने सभी में सर्व कर दिया है। इस तरह के 9 बाउल हमारे भरे थे। अब इसे हमें 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रखना है। देखिए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, फिरनी हमारी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। एकदम परफेक्ट रबड़ी जैसा मलाईदार टेक्सचर है इसका। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल और घर में रखी चीज़ों से ही बन जाती है। इस ईद पर आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।